आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबरों की दुनिया के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली इलाके में आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के जोगीकोट गांव के घने कोहरे के कारण 10 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा का विजय दो कदम और आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भाजपा 2017 की सबसे रोमांचक जीत हासिल करते हुए गुजरात में लगातार छठी बार हिमाचल में एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हो गई है। भाजपा जीत तो गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस समय चुनावी नैया पार लगाने वाला देश में उनसे सबसे बड़ा खेवैया कोई और नहीं है। गुजरात हिमाचल के नतीजों के साथ अब देश के 19 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हो जाएंगी। आज हम सब जब गुजरात और हिमाचल के विजय उत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सबसे पहले पार्टी की ओर से गुजरात और हिमाचल की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र और जनता के लिए सोचा जाता है उनका भला नहीं होता है और देश का तो पारावार नुकसान होता है। इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है। परफॉर्म करने वाली हर बात को पॉजिटिव देख रहा है और ट्रांसफॉर्म होने के संबंध में भरपूर विश्वास रखती है, ये चुनाव लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में बीते 1 दिसंबर को मतगणना स्थल पर पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें देवरिया के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश पांडे, अनिल राय और भाजपा नेता को चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसमें 4 सिपाही सस्पेंड हुए। आईजी मोहित अग्रवाल ने कोतवाल राय साहब यादव को लाइन हाजिर कर दिया और सीओ सिटी संदीप सिंह का कार्य क्षेत्र बदल दिया है। वही मामले की मजिस्ट्रेट जांच एडीएम को दे दी गई है। पेश है इस पे एक खास रिपोर्ट। 1 दिसंबर को मतगणना के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, मेरे सर पे गंभीर चोटें आई थी और कुछ पुलिसकर्मियों ने लूटपाट तोड़फोड़ किया था। इसको मैंने एडीएम प्रशासन के यहाँ जाके बयान वगैरह दर्ज कराया, उसके बाद से शुरू हुआ है पुलिस का ये खेल। पुलिस के लोग जितने मेरे शुभेच्छु और शुभचिंतक पत्रकार हैं उनको पकड़ पकड़ के मुझ पे प्रेशर बना रही है। रात्रि में जब अपना न्यूज़ संकलन के बाद अपने घर में बैठा था, अपना न्यूज़ टाइप कर रहा था भेजने के लिए कंपनी को, तो 10:30 बजे करीब में सिविल ड्रेस में लगभग दर्जनों लोग हमारे घर पे आए, जैसे लूट की नीयत से आए, और 3 गाड़ियां लगी थी हमारे घर से कुछ दूरी पे, और आते ही हमारे घर में घुस गए। घुसने के बाद बोल रहे हैं कि मैं फलाना बोल रहा हूँ और मेरे साथ चलना है। मैंने पूछा कि किस क्या क्यों चलना है मेरे साथ, तो इन्होंने एक भी बार नहीं बताया कि आपका जुर्म क्या है क्या नहीं है। कह रहे हैं मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और आपको एसपी ने बुलाया है, डायरेक्ट एसपी के आर्डर पर हम लोग आए हैं और आपको उठा के लेके जाएंगे। तो ये थी हमारी अब तक की खास खबरें। खास खबरों को जानने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें www.khabrongidunia.com पे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।